नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। साउथ एशिया में यूके के ट्रेड कमिश्नर ने कहा, गोरखपुर में विदेशी निवेश की है काफी संभावनाएं। सीएम योगी ने तैयार किया है विकास का शानदार माहौल। गीडा में विदेशी निवेश की संभावनाओं पर प्रमुख उद्यमियों के साथ की चर्चा। गीडा सीईओ के प्रेजेंटेशन को सराहा। दो फैक्ट्रियों का भी किया भ्रमण। सामूहिक बलात्कार के आरोप में नामजद चारों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। सीएम योगी की दूरदर्शिता के मुरीद हुए यूके के ट्रेड कमिश्नर टेराकोटा गांव औरंगाबाद पहुंचकर अभिभूत हुए यूके के राजनयिक एलन जेमेल ने कहा, ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है अहम योजना। यूके के साथ होगा ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प के उत्पादों का कारोबार। सीएम योगी की वजह से गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट है अभूतपूर्व। सोमवार को वृहद रोजगार मेले का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांव पर किया गया आयोजित। 3562 में 1406 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में मिला जॉब। यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। गुरु गोरखनाथ सहित मंदिर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं का किया पूजा दर्शन। कहा, मंदिर में दर्शन करके हो रही है सुख की अनुभूति। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वचन से अभिभूत है बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ब्राजील ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य यादव। पिता ने कहा, अपने जनपद और अपने परिवार का नाम किया है रोशन। औरंगाबाद में हस्तशिल्पकारों द्वारा विभिन्न तरह की टेराकोटा की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। हस्तशिल्पकारों ने कहा, प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से टेराकोटा को मिल रहा है बढ़ावा। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने की आ रही है डिमांड। सोमवार को जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का बिगड़ा मिजाज। काले बादल छाने के साथ ही चली तेज हवाएं और हुई हल्की बूंदाबांदी। गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद हजरत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह उर्फ बाले मियाँ का सालाना 30 दिवसीय ऐतिहासिक मेला हुआ शुरू। कहा, दरगाह में हाजिरी देने और मन्नत मांगने वाले अकीदत मंद की हर जायज मुराद पूरी करते हैं बाले मियाँ। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड किंगडम यूके के साउथ एशिया में ट्रेड कमिश्नर एलन जेमेल ने कहा कि गोरखपुर में विदेशी निवेश की काफ़ी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां विकास का शानदार माहौल तैयार किया है। उनका प्रयास होगा कि वह यहां दिख रहे उद्योगपरक सकारात्मक माहौल और यहां से मिली जानकारी यूनाइटेड किंगडम के उद्यमियों तक पहुँचाकर निवेश और विकास में सहभागी बने। उन्होंने कहा, यहाँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मिलजुल कर काम करने की संभावना भी जताई। यूके के राजनयिक एलन जेमेल सोमवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल और प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक की, औद्योगिक विकास और निवेश पर प्रेजेंटेशन देखा और इसकी सराहना की। यूके से किन सेक्टर में निवेश हो सकता है इस पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने दो फैक्ट्रियों का भ्रमण किया। दोनों फैक्ट्रियों का मैकेनिज्म देखकर वह काफी प्रभावित हुए। गोरखपुर में औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं को तलाशने आए साउथ एशिया में यूके के ट्रेड कमिश्नर का गीडा कार्यालय में सीईओ पवन अग्रवाल व प्रमुख उद्यमियों ने स्वागत किया। सीईओ ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से आज गीडा उद्यमियों के पसंदीदा स्थानों में से एक है। कई बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ संचालित हैं, कई के प्रस्ताव स्वीकृत होकर प्रक्रियाधीन है और कई बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।
यहां सरकार आईटी पार्क, प्लास्टिक पार्क और गारमेंट पार्क की स्थापना कर रही है। उद्योगों के लिए सीएम के मार्गदर्शन में पर्याप्त लैंड बैंक तैयार किया गया है। साथ ही यूपी की उद्योग नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इसके साथ ही उन्होंने एलएन को गोरखपुर में पूर्ण और पाइपलाइन वाली विकास परियोजनाओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर यूकी के ट्रेड कमिश्नर ने उद्यमियों से संवाद करते हुए उन्हें मिल रही सुविधाओं और सहूलियतों की जानकारी ली। उद्यमियों ने उन्हें बताया कि योगी सरकार के प्रोत्साहन से औद्योगिकरण की गति तेज हुई है। यूके से विदेशी निवेश की चर्चा पर उद्यमियों की तरफ से बताया गया कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। गीडा कार्यालय में बैठक के बाद यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमिल ने गीडा की दो फैक्ट्रियों एबीआर पेट्रो और इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड आईजीएल का भ्रमण किया। एबीआर पेट्रो में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जबकि आईजीएल ने अपनी डिस्टिलरी में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगाया है। दोनों फैक्ट्रियों की कार्यपद्धति और प्रबंधन देखकर वह काफ़ी प्रभावित दिखे। उनके दौरे के दौरान चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजीत सरिया, पूर्व अध्यक्ष एस के अग्रवाल, प्रवीण मोदी, आजम खान आदि कई उद्यमी मौजूद रहे। कैंपियरगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक बलात्कार के आरोप में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को ग्राम राजपुर यूएस अकेडमी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान ब्रह्मदेव यादव पुत्र सुरेश यादव उर्फ नाटे निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा विकास यादव पुत्र रामकृपाल यादव उर्फ कृत निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा शैलेश यादव पुत्र महेश यादव निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, चौथा मनीष यादव पुत्र दीपचंद निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मछलीगांव राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, कांस्टेबल एकांश सिंह, श्याम बाबू, इंद्रजीत यादव, मनीष कुमार त्रिपाठी, मनीष मौर्य, पुष्पेंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा। क्या नाम है? बोलते इमरान जी, क्या करते हैं? इंटर इंटर बताते हैं। ये शैलेश, मनीष, स्टोरी बोलने लगा के घर से काम किया। कल दोपहर में कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत इंद्रपुर गांव में एक सूचना मिली कि एक महिला के साथ में गैंगरेप की घटना हुई है। बाद में उसकी माताजी के द्वारा तहरीर दिए जाने पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ एवं चार अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। चारों अभियुक्तों को गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पीड़िता के साथ उसका मेडिकल करवा के एवं अन्य कार्यवाही की जा रही है। क्या करते थे वो? अभी तक इसमें जांच चल रही है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम ब्रह्मदेव है, एक विकास है, शैलेश है। ये चारों लोग वहीं उसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। 21/22 की रात में ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसमें चार व्यक्तियों को नामजद किया गया था। उक्त घटना घटित होने के बाद जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई, मुकदमा दर्ज किया गया
और तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और प्रयास करके उसको रात ही में सभी अभियुक्तों चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनमें मनीष यादव, शैलेश यादव, ब्रह्मदेव यादव और विकास यादव, ये चार अभियुक्त हैं जिन्होंने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य जो भी कठोरतम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आपराधिक इतिहास तो कोई नहीं है, अभी उसकी तलाश कराई गई है, लेकिन आपराधिक इतिहास कोई नहीं निकला है। उसके बावजूद भी चूँकि इतना जघन्य इन्होंने दुष्कर्म किया है कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई गई। घर से ले जाकर दुष्कर्म किया जी, ये इंटर और बीए में पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा ये बता रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आवारा हैं, कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं करते हैं। ये 21/22 की रात में 11:30 से 1:30 बजे की घटना है जो कि पीड़िता द्वारा बताया गया है और उसकी सूचना थाने पर उसने अगले दिन में 12:30 बजे के आसपास दी है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास, निवेश के माहौल और ओडीओपी में शामिल पारंपरिक टेराकोटा शिल्प को उद्योग के रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया देखने आए यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता के मुरीद बन गए। टेराकोटा गाँव औरंगाबाद पहुँचकर एलन ने टेराकोटा उत्पाद बनने की पूरी प्रक्रिया को देखने और खुद चाक पर हाथ आजमाने के बाद कहा कि ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई अहम योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई जल्द ही यूकी के साथ टेराकोटा उत्पादों का कारोबार शुरू किया जाएगा। यूकी के इस राजनयिक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया के डायरेक्टर रह चुके एलन जेमेल वर्तमान में ब्रिटिश शासन की तरफ से साउथ एशिया में ट्रेड कमिश्नर और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और एशिया के बीच निवेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने गोरखपुर में औद्योगिक विकास, निवेश का माहौल देखने के साथ एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प का क्लस्टर देखने की इच्छा जताई थी। इस सिलसिले में सोमवार को वह टेराकोटा गांव के रूप में मशहूर औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में एलन ने 3 टेराकोटा शिल्पकारों पन्नेलाल प्रजापति, राममिलन प्रजापति और अखिलेश चंद्र प्रजापति के घर जाकर टेराकोटा के उत्पादों के बनने की पूरी प्रक्रिया समझी। पन्नेलाल के यहाँ चाक पर हाथ आजमाते हुए उन्होंने खुद दिया बनाया। इस दौरान उनके यह कहने पर कि पन्नेलाल आज से मेरे गुरु हो गए, सभी शिल्पकार प्रफुल्लित नजर आए। राममिलन प्रजापति के घर उन्हें व उनके पिता भोला को गणेश जी की प्रतिमा बनाते देख एलन ने कहा कि यूके में उनके यहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं जितने ये लोग बना रहे हैं। टेराकोटा शिल्प के उत्पादों के बनने की प्रक्रिया देखने और समझने के दौरान एलन के करीब 2 घंटे का वक्त औरंगाबाद में बिताया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से तारीफ की। उन्होंने कहा कि ओडीओपी सीएम योगी की अहम योजना और शिल्पकारों को उद्यमी बनाने के लिए उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। ओडीओपी में शामिल होने से टेराकोटा शिल्पकारों की जिंदगी ही बदल गई है। एलन ने कहा कि उन्हें गोरखपुर में काफी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट हुआ नजर आया, यह सब सीएम योगी की ही वजह से शुरू हुआ है। शिल्पकारों से बातचीत करते हुए यूके के राजनयिक एलन जेमेल ने कहा कि आपके टेराकोटा प्रोडक्ट इतने नायाब और खूबसूरत हैं कि सब कुछ खरीद लेने का मन करता है। इस खूबसूरत टेराकोटा से यूनाइटेड किंगडम के लोगों को भी रूबरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें आज यहां आकर पूरी उम्मीद है कि जल्द ही यूके यहां से टेराकोटा का कारोबार करेगा। पहली बार गोरखपुर आए यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने औरंगाबाद में टेराकोटा शिल्पकारों से हिंदी में बातचीत कर उनका दिल जीत लिया। वह शिल्पकारों के घर उनसे इत्मीनान से हिंदी में बात कर टेराकोटा की खूबियां समझते रहे। इस दौरान तीनों शिल्पकारों ने उन्हें टेराकोटा उत्पाद उपहार स्वरूप दिए। यहां पहुंचने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसजीएम सदर कुलदीप मीणा और उद्योग उपायुक्त रवि कुमार शर्मा ने उनकी आगवानी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसजीएम सदर कुलदीप मीणा और यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेन कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने कहा, देख रहा हूँ तो
Sundar sir. So that is, it's our honor sir. Pleasure is all mine. Beautiful, beautiful, beautiful. Very good. Thank you. एक पीस तो बनाते नहीं ना हम लोग, बनाते हैं तो 6-12 करके बनाते हैं, दो दिन 3 दिन लगता है बनाने में, पूरा फैमिली फाइनल करके सर, तो अकेले नहीं बनाते ना, पूरा फैमिली है ना, सात दिन में सर 6-12 काम के बारे में सिलेक्शन बन रहा है, सिलेक्शन यूके से इंडिया तक, हम दोनों देश बहुत अहम दुनिया में है, मुझे आशा है कि हम दोनों प्राइम मिनिस्टर्स और कनेक्शंस बन रहे हैं। Gamal May, a British Trade Commissioner, who aaj mera pehli visit Gorakhpur mein hai, main abhi is artisans dekha ke liye, kyunki mera khayal hai ki Honorable Chief Minister ka program ODOP hai bahut ahem hai, bahut ahem ye artisans ke liye, is district के लिए, गोरखपुर के लिए, मुझे आशा है कि ODOP नौकरियां बढ़ेंगे, विकास होगा बही, और मुझे आशा है कि इस प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स मेरा देश, मेरे देश मिलेंगे। धन्यवाद। आज यूके के ट्रेड कमिश्नर एलन जमिल सर हमारे यहाँ औरंगाबाद में आए, वहाँ पे उन्होंने सभी आर्टिजन्स के द्वारा टेराकोटा वर्क जो किया गया है उसको काफ़ी सराहा, और साथ ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि जो ई कॉमर्स कंपनी की सप्लाई चेन है उनसे इनके प्रोडक्ट्स को लिंक करा दिया जाए, ताकि इनकी जो आमदनी है, जो प्राइस पॉइंट है जिस पे ये लोग अभी बेच रहे हैं, उससे 4-5 गुना ज़्यादा आए इन इन जितने भी आर्टिजन से इनके द्वारा हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी प्रोडक्ट्स की उनके देश में काफ़ी डिमांड है, और वो कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपोर्ट भी UK में किया जा सके। Yes, so the other reason for my visit is to see how the UK and Uttar Pradesh and the UK and Gorakhpur can do more together in business and in trade. And I was very, very happy to see the ODOP program, an initiative and idea of Honorable Chief Minister. I was very pleased to see the ODOP program terracotta workshop today, and I'm excited that those artisans may find ways to sell their products across all of India and export to countries like mine. What do you like there? Well, I liked the incredible craftsmanship. I saw brilliant artisans. I was a student there. I was given a pottery lesson by a craftsman and an award winner there, and I hope to see more exchanges like that between our countries. Our prime ministers have met very recently to talk about the UK-India trade relationship, and we hope to double trade between our countries, and that will be good for artisans like we met today. We hope to have a free trade agreement between our countries that will help double trade, and I hope that that will provide benefits for businesses here in Gorakhpur and here in Uttar Pradesh. Thank you. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा परिसर में सोमवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा के प्रधानाचार्य सत्यकांत ने बताया कि रोजगार मेले में 24 कंपनियों ने भाग लिया है और 3,906 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें LNT सहित नामी कंपनी शामिल रही। LNT ने 250 विद्यार्थियों को रोजगार दिया है। सोमवार को 1,406 विद्यार्थियों को अलग अलग कंपनियों में सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को कंपनियां 3 महीने का ट्रेनिंग करवाएगी, जिनका रहना खाना ड्रेस सब फ्री रहेगा, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा के प्रधानाचार्य सत्यकांत ने कहा, जब
मेरा नाम सत्यकांत है, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई चरगांव गोरखपुर। मेले का आयोजन कैसा, कितनी कंपनियां लगभग, कितनी कंपनियां लगती है? इसमें 24 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें अभी तक प्राप्त सूचना के हमारे अनुसार जिसमें हम लोग फर्स्ट हाफ की संख्या कैलकुलेट की, जिसमें लगभग 3475 बच्चों ने भाग लिया था। अभी बच्चे आ ही रहे हैं, उसमें से फर्स्ट हाफ में जो सिलेक्शन हुआ लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, अभी चल ही रहा सिलेक्शन। कितना कारगर साबित हो रहा है? बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये बहुत ही अच्छी चल रही है। कितने बच्चे लगभग भाग लिए इसमें? अभी तक लगभग 3500 बच्चे आ चुके हैं, और बच्चों की संख्या अभी भी आती जा रही है। फर्स्ट हाफ की संख्या बता रहे हैं आपको, जब हमने कैलकुलेट कराया था लगभग 1 बजे के लगभग। सर कितने बजे से कितने बजे तक चलता है ये? चलेगा जब तक बच्चे रहेंगे तब तक चलता रहेगा, 5 बजे तक तो इसे हम लोग चलाते रहेंगे, इसमें स्टार्टिंग करेंगे उसकी बच्चों की। यूके के राजनयिक एलन जेमेल सोमवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु गोरखनाथ सहित मंदिर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा, गोरखनाथ मंदिर पूरे ऑल इंडिया में बहुत मशहूर है, जिसको देखते हुए गोरखपुर आकर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया है। यहाँ पर आकर एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आगे कभी भी गोरखपुर आऊँगा तो गोरखनाथ मंदिर जरूर आऊँगा। इस संबंध में गोरखपुर उससे बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा और यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने कहा। नहीं लोग हम लोग इंडियन की नल Very nice.
special one. You got in hand. Very nice. Thank you, sir. Fish. That's why fish is called machli in Hindi. Machli. Yeah, that's a machli in the name. Yes. Prasidh Ganesh. Prasidh Ganesh. Yes, yes. In Maharashtra, there is a Ganesh festival, a huge festival. Which was? Acha, acha. This is Yogi Bhartari. Have you been visiting Ujjain, Madhya Pradesh? Yes. Ujjain. No, Ujjain. Yes. I will tell you the story. The king of Avantika, his name was Avantika. Now it's Ujjain. And he renounced the worldly life and become a disciple of Guru Karakraj Ji and pass on his throne to his younger brother King Vikramaditya, who constructed this Ram temple second time. First was one Lavkush and second time this Vikramaditya, and now Mahant Yogi Adityanath Ji constructing temple in Ayodhya. Yeah, they all are very prime place in my country and very spiritually powerful people. What is Kali? दक्षिणेश्वरी काली स्वामी विवेकानंद ब्रह्मा रामकृष्ण काल भैरव मोस्टली मस्जिद इन साउथ इंडिया स्पेशली करनाथ स्वामी टेम्पल एंड दी व्हाट इज कॉल्ड ओनली बिलोंग्स टू योगी जी ओनली एक्चुअली गोरखनाथ हिमसेल्फ कॉल्ड मंजुनाथ इन साउथ इंडिया इस पे बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ गोरखनाथ जी अपीयर टू फोग फोग इज कॉल्ड इन कुल्लू लैंग्वेज मंजू दैट्स व्हाई इज मंजुनाथ बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान जहाँ जहाँ मारवाड़ी कम्युनिटी है वहाँ यूपी बहुत मोस्टली यू प्लीज कमेंट दीज ऑल आर ट्राइडेंट हियर इज अ कस्टम ट्रेडिशन पीपल कम हियर एंड ऑफर दिस ट्राइडेंट एंड नॉट थ्री नॉट्स एंड लीज हियर फॉर देयर विशेस If once it is complete, they come here and so many babies come every day and I am there to assist them. गोरखनाथ मंदिर आज उनके इटिनरी में गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करना पार्ट था इसी क्रम में वो अभी शाम में गोरखनाथ मंदिर में लगभग सभी जगह उन्होंने दर्शन किए और काफ़ी वह मंदिर प्रशासन से खुश हुए और काफ़ी शुभकामनाएं गोरखपुर को दी ये मंदिर है इट इज़ बीन अ ग्रेट प्रिविलेज टू स्पेंड सम टाइम विद योगी हियर टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न अबाउट द इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एट दिस टेंपल द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेंपल टू पीपल नॉट जस्ट इन गोरखपुर बट ऑल ओवर इंडिया बट ऑल्सो टू सी द पावरफुल वर्क दैट्स डन इन एजुकेशन एंड इन हेल्थ एंड इट्स माई ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर धन्यवाद Well, I hope to see this one many times. Thank you. Temple experiences here. How you feel if you get the darshan of the? मुझे इस temple बहुत पसंद है. मेरा experience बहुत अच्छा है भी. I have had a wonderful time learning about this temple and the practices here and meeting the yogi here who has been very gracious to give me time to understand what about this temple and its history and why it's so important to people all over India. And all over the world. राजघाट पुलिस ने नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नेशनल हाईवे अमरूद मंडी से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान उत्तेज कुमार उर्फ रितेश कुमार पुत्र जोगेंद्र प्रसाद निवासी अमरूद मंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट के रूप में हुई है जिसके पास से 5 किलो नाजायज गांजा बरामद किया गया है राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा टीपी नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार कांस्टेबल मंगलदीप शामिल रहे अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। साउथ एशिया में यूके के ट्रेड कमिश्नर ने कहा गोरखपुर में विदेशी निवेश की है काफी संभावनाएं। सीएम योगी ने तैयार किया है विकास का शानदार माहौल। गीडा में विदेशी निवेश की संभावनाओं पर प्रमुख उद्यमियों के साथ की चर्चा। गीडा सीईओ के प्रेजेंटेशन को सराहा। दो फैक्ट्रियों का भी किया भ्रमण। सामूहिक बलात्कार के आरोप में नामजद चारों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। सीएम योगी की दूरदर्शिता के मुरीद हुए यूके के ट्रेड कमिश्नर टेराकोटा गांव औरंगाबाद पहुंचकर अभिभूत हुए यूके के राजनयिक एलन जेमेल ने कहा ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है अहम योजना। यूके के साथ होगा ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प के उत्पादों का कारोबार। सीएम योगी की वजह से गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट है अभूतपूर्व। सोमवार को वृहद रोजगार मेले का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांव पर किया गया आयोजित। 3562 में 1406 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में मिला जॉब। यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। गुरु गोरखनाथ सहित मंदिर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं का किया पूजा दर्शन। कहा मंदिर में दर्शन करके हो रही है सुख की अनुभूति। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नाजायज गांजा किया बरामद भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वचन से अभिभूत है बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ब्राजील ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य यादव। पिता ने कहा अपने जनपद और अपने परिवार का नाम किया है रोशन। औरंगाबाद में हस्तशिल्पकारों द्वारा विभिन्न तरह की टेराकोटा की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। हस्तशिल्पकारों ने कहा प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से टेराकोटा को मिल रहा है बढ़ावा। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने की आ रही है डिमांड। सोमवार को जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का बिगड़ा मिजाज। काले बादल छाने के साथ ही चली तेज हवाएं और हुई हल्की बूंदाबांदी। गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद हजरत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह उर्फ बाले मियाँ का सालाना 30 दिवसीय ऐतिहासिक मेला हुआ शुरू। कहा दरगाह में हाजिरी देने और मन्नत मांगने वाले अकीदत मंद की हर जायज मुराद पूरी करते हैं बाले मियाँ। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ब्राजील ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अपने जनपद पहुंची आदित्य यादव के पिता रेलवे बैडमिंटन कोच दिग्विजय यादव ने बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही मूक बधिर है या बोल नहीं सकती। आदित्य यादव को बैडमिंटन खेलने का शौक था। आज उसने अपने जनपद और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दिया और खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाकर अपना आशीर्वचन दिया और कहा कि ऐसे ही मेहनत करती रहो और आगे बढ़ो। और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के द्वारा सम्मानित किया गया। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे बैडमिंटन कोच एवं पदक विजेता आदित्य यादव के पिता दिग्विजय यादव ने कहा, मेरा नाम दिग्विजय यादव है। मैं रेलवे में बैडमिंटन कोच हूँ और ये मेरी बिटिया आदित्य यादव जो बचपन से ही मूक बधिर है, वो सुन बोल नहीं सकती है और उनकी खेल के लिए मैंने बहुत कोशिश किया कि कम ये बैडमिंटन के लिए, और ये जब छोड़ी थी तभी से मैंने इनको खिलाना शुरू कर दिया था और फिर इन्होंने अच्छा मतलब अपने खेल को प्रदर्शन करते हुए काफ़ी अच्छा खेला और आज आपका नाम रोशन कर आज नाम रोशन कर रही हैं। और ये क्या बोलते हैं कि डेफ ओलंपिक में ब्राज़ील में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टीम चैंपियनशिप में, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट कर इनको बधाई दिया था कि हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो डेफ में हैं ये बच्चे भी हम नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों को अपने आवास पर बुला के इन बच्चों को भी सम्मानित किया था और उन्होंने बधाई भी दिया है इन बच्चों को कि आगे भविष्य में ये लोग बहुत अच्छा करें। कुछ कहा भी उन्होंने? उन्होंने कहा कि आदित्य को बोला स्पेशली कि और थोड़ा मेहनत करिए, अभी आप अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में हस्तशिल्पकारों द्वारा विभिन्न तरह की टेराकोटा की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसके संबंध में टेराकोटा के हस्तशिल्पी राम मिलन प्रजापति ने बताया कि हम लोग टेराकोटा का किसी भी भगवान देवी देवताओं की मूर्ति बना सकते हैं या हर प्रकार के जानवर की मूर्ति बनाते हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने माँ सरस्वती, बुद्ध भगवान, हाथी, घोड़ा की मूर्ति बनाई है, अब लोग अधिकतर अपने डिमांड के हिसाब से मूर्ति बनवाते हैं। प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद के नारे ने हम लोगों को बहुत सहयोग दिया है। इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि हम ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा टेराकोटा विदेशों में भी जाकर बिक रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं। सोमवार को यूके के राजनयिक और एशिया के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने औरंगाबाद गाँव का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने जहाँ गाँव के लोगों को संबोधित किया तो वहीं गांव के तीन शिल्पकारों अखिलेश प्रजापति, पन्नीलाल प्रजापति और राम मिलन प्रजापति से मुलाकात कर टेराकोटा शिल्प के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेराकोटा के हस्तशिल्पी भोला प्रजापति, बेलासी देवी, लालचंद प्रजापति और उद्योग उपायुक्त रवि कुमार शर्मा ने कहा, Thank you.
सब भट्टी ये निकाल लिए होते, लेकिन दिखाने के लिए इसको रोक दिए, खाली नहीं किए। हमारा नाम है भोला प्रसाद प्रजापति। कुछ लोग यहाँ पे आए थे? हाँ, बहुत अच्छा खुशी हुए हम लोगों का भी, और हमारे देश हमारे शहर के लोग भी, जनता भी बहुत खुश, जितने लोग हैं जानते हैं उनको भी खुशहाली है कि गोरखपुर में हमारे टेराकोटा जो है देश विदेशों में बहुत फेमस है, और अपने इंडिया के अंदर में तो हमारा कोने कोने में नाम है हो रहा है हो गया है। और इसलिए हमारे यहाँ देखिए हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, SDM साहब आए थे, मजिस्ट्रेट और भी लोग आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ही कहा कि मैं ये कला देख करके मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे देश में इसका निर्यात हो। कौन से लोग थे यहाँ पे? यहाँ हमारे यहाँ GM हमारे हैं, मुख्य अधिकारी GM के बाद यहाँ का SDM साहब हैं, अन्य लोग बहुत से हैं, मैं कहाँ तक हम ना बता नहीं बता पाए। हमारे तो हमको बहुत खुशी आ रही है, हमारे खुशी से तुम्हारे आँखों में पानी आ जा रहा है, मैं इतना खुश हूँ। देखा जाए विदेशों में भी इसकी डिमांड होने लगी है। हाँ सर, हमको बहुत खुशी आ रही है इसलिए कि हमारा माल अब विदेशों में निर्यात होगा तो हमारा और नाम होगा और हमारा अच्छा खासा कमाई होगी और माल बिक्री होगा, रेट भी अच्छा मिलेगा हमको, इसलिए हम खुशहाल हैं। हमको खुशहाल से मेरे आँखों में पानी आ जाता है खुशी से, मैं इतना खुश हूँ। बेलासी देवी से यहाँ पे कुछ लोग आए थे, देखें क्या कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा लगा, कहना हम लोग को कला देख के बहुत खुश हैं। आपको क्या क्या दिखाई है? सबको मूर्तियाँ दिखाएं, गणेश जी का मुंडी पार्ट दिखाए हैं, हाथी दिखाए हैं, घोड़ा दिखाए हैं, टेबल दिखाए हैं, लेडीज पार्ट दिखाए हैं, सब देख के खुश हो गए हैं। नाम पूछ लें, आपका नाम काम कर ली बिलासी देवी, कह लें आप बहुत अच्छा है, हैं काम देख के बहुत खुश हो। आप लोग विदेशों से भी अब यहाँ लोग आ रहे हैं, हाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कला जा रही है विदेश? हाँ, कला बा हमन के मांग करी है विदेश में भेजने के। मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जाए, योगी जी के लिए कहेंगे? हाँ, अरे जान लो कर था, बच्चे से पूछ लें। कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? क्या कहें, अरे वह हम लोग के आगे बढ़ाना कुछ हुआ, ये हम लोग रोड, ये हम लोग का चक्का नहीं आ रहा है, हो जाएगा भी। हाँ, हमारा नाम गुलाब चंद प्रजापति है। क्या क्या यहाँ पे आप लोग बनाते हैं? अरे यहाँ तो सब चीज बनता है, आदमी में हर एक आदमी बनेगा, जानवर में हर एक जानवर बनेगा, मूर्तियों में हर एक मूर्ति या बनेगा, कहाँ तक नाम गिनाएं आपको। देखा जाए प्रदेश सरकार भी तो काफी बढ़ावा दे रही है, लोग विदेशों से आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। ये तो सरकार के धन्यवाद देंगे, ये तो सरकार का धन्यवाद देंगे, और ये समझिए कि इस मिट्टी का देन है, इस कला का देन है कि जो विदेशों से लोग आ रहे हैं। लालचंद प्रजापति से लोग आते हैं देखो देखने के लिए टेराकोटा, क्या क्या कहा? यहाँ पर सारे आइटम देखे, यहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट है एक जनपद एक उत्पाद के लिए, उसके विषय में बात भी किए, यहाँ के टेराकोटा का जो आइटम है वो विदेश सप्लाई करने के लिए बात किए, ये भट्टी लगाए थे, भट्टी में भी आके देखे ओपन करके कैसे भट्टी लगता है, कैसे नहीं लगता है, कैसे पकता है, इसके विषय में जानकारी लगा। देखा जाए टेराकोटा विदेशों में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा सेंटर गवर्नमेंट राज्य सरकार जो कर रहा है टेराकोटा पर एक जनपद एक उत्पाद के लिए बहुत बेटर काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के लिए हम लोग टेराकोटा के औरंगाबाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, सेंटर को भी नरेंद्र मोदी को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों का टेराकोटा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं रवि कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग गोरखपुर। हमारे यहाँ आज जो ये गोरखपुर जनपद का जो औरंगाबाद ग्राम है उसमें मिस्टर एलन गेमल साहब का आगमन हुआ, जो कि HM ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। उनका जो उद्देश्य था कि जो हमारे गोरखपुर में जो आर्टिजन्स हैं औरंगाबाद में, उसमें तीन लोग का नाम लाइव बनाने हेतु चयनित हुआ था, जिसमें अखिलेश प्रजापति, पन्नेलाल प्रजापति
और राममिलन प्रजापति, जिसमें दो तो स्टेट अवार्ड हैं, अखिलेश और पन्नेलाल, और राममिलन को वित्तीय वर्ष 21-22 में स्टेट अवार्ड हेतु चयनित किया गया है। इनकी कलाकृतियों को वो लाइव देखना चाहते थे कि किस तरह से बनती है, कैसे इनकी कलाकृतियों को वो देश स्तर पर तो चल ही रहा है, विदेशों में कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। इस पर्पज़ से उन्होंने यहाँ पर आए और यहाँ के हस्तशिल्पियों को आश्वस्त किया है कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ जो वो देखते हैं और अपने देश यूनाइटेड किंगडम में वो उनका प्रयास होगा, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान वो दिलाएंगे। उसी दिशा में इनका एक कदम था। जनपद में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से आज दोपहर बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से लोग थोड़ा भले ही परेशान दिखे, लेकिन गर्मी से निजात पाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि सोमवार को जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा। इस दौरान बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चली और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला उर्फ बाले मियां का सालाना 30 दिवसीय ऐतिहासिक मेला 22 मई से शुरू हो गया है। बहरामपुर स्टेट बाले मियां मैदान में हर वर्ष ज्येष्ठ माह में एक महीने का मेला लगता है। इस मेले में दूर दराज तथा आसपास से अकीदतमंद और आस्थावान बाले मियां की दरगाह में हाजिरी देने और मन्नत मांगने पहुंचते हैं। हर जायज मुराद पूरी करने वाले रूप में मशहूर बाले मियां की दरगाह पर आस्थावान पलंग, पीठी, कानूनी आदि चढ़ाकर अपनी आस्था और अकीदत का इजहार करते हैं। खादिम रियाजुद्दीन ने बताया कि होली के बाद बाबा का लगन पड़ता है। लगन के बाद 22 मई से 22 जून तक पूरे एक महीने का मेला लगता है। बाबा के स्थान पर लाखों की संख्या में लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। किसी को आँख, पैर, औलाद, मकान, दुकान परेशानी होती है तो लोग अपनी ठीक होने की मन्नत मांगते हैं और बाबा उसकी मुरादें पूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के द्वारा मेला लगता है और इस मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। बाले मियां के मेले को पूर्वांचल की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल माना जाता है तथा हर साल लगन की रस्म पलंग पीढ़ी के रूप में मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाले मियां मैदान के प्रमुख मोहम्मद इलियास की बहन राबिया खातून एवं वहां के खादिम रियाजुद्दीन हाशमी ने कहा, इधर जाओ।
हमारा नाम रियाजुद्दीन है, हम यहाँ के खादिम हैं, इसके मालिक खालिक हैं। और ये मेला जो है मार्च ही में लगता है, होली के बाद जो मार्च है उनका बाबा का लगन पड़ता है। अब बाबे का लगन के बाद जो है उनके मुख्य मेले का दिन पड़ता है, इसका दिन होता है 22 मई। 22 मई से लेके 22 जून तक जो है ये मेला चलता रहेगा और काफ़ी संख्या में भीड़ होता है, लाखों आदमी आते हैं, अपनी अपनी मन्नत लेके चढ़ाते हैं। कोई गोरखपुर से आता है, कोई पटना से आता है, कोई देवरिया से आता है, कोई कानपुर से आता है, कोई लखनऊ से आता है, सिद्धार्थनगर से आता है, कानमुता आजमगढ़ से आता है, गाजीपुर से आता है। ऐसे लोग आते हैं अपनी अपनी मन्नत लेके, उनकी मन्नत पूरी होती है। कोई अपने आँख के लिए आता है, कोई पैर के लिए आता है, कोई अपने बच्चे के लिए आता है, कोई अपने मकान दुकान के लिए आता है, तो सबकी मुरादें बाबा पूरे करते हैं। और क्या होता है, और इनका नाम तो बहुत दूर दूर तक है, इनके नाम से लोकल हॉलीडे होता है। लोकल हॉलीडे माने छुट्टी, एक दिन की छुट्टी होती है। इनका नाम इतना मशहूर है। और भैया कि लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। कोई घाघर मानता है, कोई चादर मानता है, कोई मुर्गा मानता है, कोई अंखियाँ मानता है, कोई पैर का वो मांगता है कि पैर हम चलाएंगे बाबा, हमारा पैर ठीक हो जाएगा तो। और कोई आँख मांगता है, हमारी आँख ठीक हो जाए तो। ऐसा है, कोई कंठ नहीं खुलता है तो कंठ मानता है कि हम चांदी के कंठ चढ़ाएंगे, अगर हमारा पूरा हो जाएगा तो। कोई गागा चढ़ाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई कनूरी करवाता है, कोई अपना वो लेके आता है, पलंग पीढ़ी लेके आता है। जो जो मन्नतें होती हैं बाबा की, जो मन्नत माने हुए हैं उनको लेके आना है, उनका पूरा हो गया। पूरा होती है? हाँ बिल्कुल पूरा होती है। पूरा नहीं होता तो लाखों की संख्या में भीड़ कैसे होता। ये तो बाबा का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि लोग आते हैं अपनी अपनी मुरादें लेके पाते हैं, उनका काम जो है पूरा होता है। मेरा नाम राबिया हाशमी, प्रबंधक मोहम्मद इलियास की बहन। 27 मार्च को यहाँ लगन रखी जाती है, होली का पहला इतवार रखी गई थी, जेठ के पहले इतवार को मेला लगता है। 27 मार्च को जब लगन रखी गई तो हर रविवार को मेला यहाँ लगता है। उसके बाद जब जेठ का मेला हो जाता है तो 5 इतवार मेला यहाँ लगता है। 22 जून तक का मेला है। उसके बीच जब सरकार की शादी बारात आती है, पलंग पीढ़ियाँ आती हैं, आई है, उसमें मुर्गा चादर गागर कवालियाँ होती हैं और उनकी मन्नतें मुराद पूरी होती है। 5 अंधा ठीक होता है, 5 कोढ़ी ठीक होते हैं, यहाँ 5 बाज की कोख खुलती है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के मेला होता है यहाँ। सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह के शान में कवालियाँ चादर गागर धूम से आती जाती है यहाँ। कितने की भीड़ होती है यहाँ? करीब 10,000 से ऊपर की भीड़ होती है। और ये मैं सही सलामत शिवाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला हजार से कुछ वर्ष से लग रहा है, 1000 कुछ वर्ष से मेला लगते चला आया है। शादी के दिन आंधी तूफान जाता है। बाले मियाँ की शादी के दिन आंधी तूफान आता है। इस आंधी तूफान आए किस को आ ही गया, आंधी तूफान आ गया, 22 में गिनती होगी किस को आ गया, तो आंधी तूफान मस्ट आना, इसलिए सरकार की शादी नहीं हो पाती। ये परंपरा जी भी यहाँ परंपरा यह आती है। और इसके बारे में, इसके बारे में ही कहेंगे, सरकार के जोहरा बीबी, सरकार के आँख नहीं थी, जोहरा बीबी ने कहा
कि और अगर हमको आँख आ गई तो हम सरकार आपका दीदार करेंगे। उनके माँ बाप ने कहा कि ले चल के दीदार कराएंगे, आँख आ गई। सरकार एक दिन घोड़सवार आए, सरकार और घोड़सवार आए तो आवाज़ दिए कि ए लड़की उठो, उठ गई। कहे थे कि हम आएंगे तो हमको एक गिलास पानी देना, जैसे गिलास में पानी दी वैसे ही आँख आ गई सरकार की, जोहरा बीबी की आँख आ गई। उस दिन से वो सोच ली कि जोहरा बीबी हम सैयद सलाम और शिवाजी रहमतुल्लाह की खिदमत करेंगे, और खिदमत कर रही थी और वहीं रह गई। सरकार के पैतियाने उनकी मजार बनी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। साउथ एशिया में यूके के ट्रेड कमिश्नर ने कहा गोरखपुर में विदेशी निवेश की है काफी संभावनाएं। सीएम योगी ने तैयार किया है विकास का शानदार माहौल। गीडा में विदेशी निवेश की संभावनाओं पर प्रमुख उद्यमियों के साथ की चर्चा। गीडा सीईओ के प्रेजेंटेशन को सराहा। दो फैक्ट्रियों का भी किया भ्रमण। सामूहिक बलात्कार के आरोप में नामजद चारों अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर कैंपियरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने किया खुलासा। सीएम योगी की दूरदर्शिता के मुरीद हुए यूके के ट्रेड कमिश्नर टेराकोटा गांव औरंगाबाद पहुंचकर अभिभूत हुए यूके के राजनयिक एलन जेमेल ने कहा ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है अहम योजना। यूके के साथ होगा ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प के उत्पादों का कारोबार। सीएम योगी की वजह से गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट है अभूतपूर्व। सोमवार को वृहद रोजगार मेले का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगांव पर किया गया आयोजित। 3562 में 1406 विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में मिला जॉब। यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल पहुंचे गोरखनाथ मंदिर। गुरु गोरखनाथ सहित मंदिर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं का किया पूजा दर्शन। कहा मंदिर में दर्शन करके हो रही है सुख की अनुभूति। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 किलो नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वचन से अभिभूत है बैडमिंटन चैंपियन खिलाड़ी ब्राजील ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता आदित्य यादव। पिता ने कहा अपने जनपद और अपने परिवार का नाम किया है रोशन। औरंगाबाद में हस्तशिल्पकारों द्वारा विभिन्न तरह की टेराकोटा की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। हस्तशिल्पकारों ने कहा प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना से टेराकोटा को मिल रहा है बढ़ावा। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाने की आ रही है डिमांड। सोमवार को जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का बिगड़ा मिजाज। काले बादल छाने के साथ ही चली तेज हवाएं और हुई हल्की बूंदाबांदी। गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सैयद हजरत सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह उर्फ बाले मियाँ का सालाना 30 दिवसीय ऐतिहासिक मेला हुआ शुरू। कहा दरगाह में हाजिरी देने और मन्नत मांगने वाले अकीदत मंद की हर जायज मुराद पूरी करते हैं बाले मियाँ। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।